ये है हमारे अब्दुर्रहीम भाई जी। सलाम अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहीम भाई, पहले आपका क्या नाम था? पहले मेरा नाम था रमेश चंद शर्मा। रमेश चंद शर्मा, संन्यास में जाने के बाद में रमेशानंदपुरी हुआ मेरा। अब संन्यास में कितने साल थे? मैं 40 साल रहा हूँ। 40 साल रहे। आपकी उम्र कितनी है अभी? 75 साल। तो काफ़ी आप अभी आश्रम में थे तो काफ़ी आपका बहुत बड़ा हिसाब किताब होगा, मर्सिडीज और करोड़ों रुपया। अरे साहब, एक आध करोड़ की बात कर रहे हो, 73 करोड़ की बात करिए। 73 करोड़ रुपए के आप मालिक थे? मैं साइन मार के आया हूँ। अच्छा, और क्या चीज़ थी मतलब कि जो अच्छा, आप मैंने ये भी सुना कि आपके जो चार ग्रंथ है वो चार ग्रंथ के आप वो भी हो, विद्वान? हाँ, चारों वेद, 6, 7, 18 पुराण, गीता, रामायण, कहीं से भी कोई भी प्रश्न कर सकता है। तो एक एक श्लोक कोई सुनाइए। शांताकारं भुजग सेनम पाद्यनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगगम्यम सर्वलोके के नाथ। सर्वलोक के नाथ का मतलब होता है मालिक। नाथ माने संस्कृत कहते हैं मालिक के लिए। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु भरिद्र सेव्य मुनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मुनीषम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम नान्याश्प्राहरकपते हृदय अस्मादीय सत्यम बदामी च भवानी खनात्रात्मा भक्ति प्यर्ष रघुपुंगम निर्भराम में काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम चैतृत बलधामम हेमशिला भदेहम धनुजन कृषानु नाम ज्ञानी नाम ग्रगणयम शक्ल गुंडधानम प्रणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। ओहो, अच्छा मुझे एक सवाल पूछना है कि आप इतनी दौलत भी थी आपके पास, चेले चपाटे, गाड़ियाँ, करोड़ों रुपया, तो क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको ये सब छोड़ने पे उस चीज़ ने मजबूर किया और यहाँ पे आप एक गरीबी कहूँगा मैं, गरीबी की रेखा पे आप जी रहे हो, इतने करोड़ों बंगले वगैरह छोड़ के, क्या चीज़ थी, क्या चीज़ ने इंस्पायर किया आपको जो आपने कलमा पढ़ा? देखिए मैं बताऊँ जी, एक मिसाल संन्यास में रह करके सुबह स्नान 4 बजे हमने कर दिया, दिन भर हम अपवित्र रहे नफाक। क्यों रहे? क्योंकि एक पेशाब की बूंद भी अगर तन पे लग जाए, कपड़े पे लग जाए, तो वो सारा ही खराब हो जाता है। जैसे मिसाल हमने एक बाल्टी जल लिया, पानी लिया और उसको भर के रख लिया स्नान के लिए, नहाने के लिए, और उसमें हम एक बूंद कतरा पेशाब भी डाल देते हैं तो वह पवित्र हो जाता, फिर हम स्नान नहीं कर सकते। यहाँ इस्लाम जो है पवित्र चीज है, क्योंकि इसमें हाँ पाक रहते हैं हमेशा, पवित्र, पावन पवित्र कह दीजिए, पावन पवित्र तो कर अल्लाह है, तो ये पाक जात है, ये हमको पसंद आई कि ये हमेशा पाक रहता है इंसान। यानी पाकी साफी इस्लाम में बहुत है, आपको ये पसंद आया? ये पसंद आया हमें कि भाई पाक साफ रहते हैं। अगर हम पाक साफ पवित्र होकर के अगर हम प्राण छोड़ जाते हैं, अपना शरीर छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम को अल्लाह जो है कोई अच्छी जगह देगा, हम जन्नत भी नहीं कह सकते। चलो उसे जन्नत तो है ही, लेकिन हम नहीं है उस काबिल, अब वो तो अल्लाह जाने हमें जन्नत देगा या दोजख देगा। तो इसलिए मुझे पसंद है, पाक साफ चीज पसंद है मुझे। अच्छा ठीक। और एक बात, दूसरी बात यह है कि यहाँ हिंदू मजहब में अनेकों मंत्र होते हैं, इस्लाम में एक मंत्र जी। क्या मंत्र है इस्लाम? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है, ये बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो जी, हाँ, और उसमें अनेकों मंत्र भाई, कोई गायत्री पढ़ता है, कोई महामृत्युंजय मंत्र पढ़ता है, जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, एक गायत्री है। इसका अर्थ क्या है? ओम तेरा नाम है, तू सब सुखों की खान है, भूरियों कहते पिता, तू प्राणियों का प्राण है, शुभ आनंद रूप हो, तत्व उसी का ध्यान धरते हैं, सवितुर जगत उत्पन्न करता है, वरेण्यम वरण योग है, भर्गो पवित्र भजकर फिर न रहते रोग हैं, देवस्य कहते पिता तुम दिव्य गुणों से युक्त हो, धीमा ही हम ध्यान धरते क्योंकि दाता मुक्त हो, धियो यो ना बुद्धियों की प्रेरणा, प्रचोदयात हम ध्यान धरते सर्वदा। जी अच्छी बात है, तो माशाल्लाह काफ़ी खुश हो आप और अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, आप ईमान पे आ गए, मुसलमान हो गए। कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी ने किसी ने आपके साथ, या तलवार के तलवार आज जैसे दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैल रहा है, तो ऐसा तो नहीं किसी ने तलवार दिखा के तो नहीं आपसे कलमा पढ़वाया? नहीं नहीं, किसी की या पैसों का लालच? पैसे का लालच आपको कोई क्या देगा, आप खुद करोड़पति? अरे 150 बीघे तो जमीन छोड़ कर आया हूँ मैं अपनी। अच्छा, और 73 करोड़ जी, ऐसे थोड़ी ना। देखिए भाई, इसे कहते हैं अल्लाह वाले,
हम तो सिर्फ नाम के लोग हैं हम लोग। इन लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लम के नाम पे मोहब्बत में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लम की मोहब्बत में 73 करोड़ रुपया कैश और कई ज़मीनें, करोड़ों रुपए की ज़मीनें बस तौहीद के नाम पे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लम की मोहब्बत पे इन्होंने छोड़ के आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, हमारे साथी हज़रत जी इन्होंने इनसे मिलाया और भाई हमको ख़ास तौर पे सब लोगों को दुआ में याद फरमाया जी। चलिए अस्सलाम वालेकुम।